केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सरकार का समय है, इसी कड़ी में हम लोग भागलपुर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर गांव की सरकार से हमारी मुलाकात हो रही। हम लोग हैं बनिया बैसी पंचायत में। बनिया बैसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव जी से जानेंगे इस पंचायत में पूरे 5 सालों में क्या क्या विकास के कार्य किए। पूरे पंचायत में 5 सालों में क्या क्या विकास के कार्य किए गए? देखिए, पूरे पंचायत के 5 साल के क्रम में सरकार के द्वारा दी गई राशि सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता थी। शुरुआत जब हम लोग किए पंचायत में तो उस समय पहले सरकार ने जो 7 निश्चय का योजना चलाया उसके प्रति सरकार बहुत संवेदनशील दिखाई दिया और हम लोग भी प्रयास करके सरकार के द्वारा 7 निश्चय जो कार्यक्रम था और उसके तहत जो किए जाने वाली कार्य थी, जैसे जल नल और नली गली पक्कीकरण, इस सब पे मैंने फोकस किया। लगभग वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हमको लगता है कि सभी वार्डों में गली नली का कार्य पूरा ही हो गया है। एक आध ऐसा वार्ड बचा होगा जहाँ नली गली का और आवश्यकता है, बनना आवश्यकता है। कितने सड़क बनाए होंगे 5 साल में? कम से कम संख्या में 25 से 20। नाला भी बना होगा। कितने पानी टंकी लगा है लगभग? नाला भी बना होगा लगभग, हमको लगता है 12-14। पानी टंकी सरकार के द्वारा 5 बार में निर्धारित किया गया था। हम लोग को हमारे पंचायत में बनिया बैसी पंचायत अंतर्गत 5 बार को निर्धारित किया गया था और शेष 5 वार्डों में PhD के द्वारा कार्य कराया जाए तो 5 वार्ड को मिला के हम लोग जो है कम्प्लीट कर। राशन कार्ड अमूमन हमको लगता है कि जिस समय सरकार के द्वारा पहले तो हम लोग पिछले जब चुनाव जीत के आए तो 2-3 साल के बाद सरकार के द्वारा 18 में आवेदन लिया गया राशन कार्ड के लिए तो गांव में प्रचार किया गया तो गांव के व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो है ना वहां गए प्रखंड में अपना राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया और रिसीविंग लिया। उस क्रम में हमको लगता है 308-310 आदमी का बना हुआ। इसके अलावा पेंशन की है, अब तो सरकार वो सुविधा दे दी है, ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए नहीं किसी को आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एज ए मुखिया हो या ग्राम पंचायत सेवक हो। तो इस क्रम में जो है ना, अब लोग अपने अपने तरफ से ऑनलाइन करके आवेदन देता है तो उतनी तो जानकारी न है कि आप लगभग जो हम लोग जिस समय थे कि नहीं भाई, ग्राम सेवक के माध्यम से ही पेंशन का काम होना है, वही सेटिस्फाई करेंगे। वही उसके समय में मोटा मोटी यही समझिए ना कि वो भी 300-350 का पेंशन। आवास का जो आईडी बन चुका। शौचालय में लगभग जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती थी तो उस अनुसार से भी हमको लगता है कि कम से कम पहले तो ODF वाली बात हो रही थी, 2017 मिशन ODF हो चुका और पंचायत ODF तो हो चुका है, प्रखंड के तरफ से पंचायत ODF हो चुका है, लेकिन बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी शौचालय जरूरत। समय में ले ली लाइट शुरुआती लगा था जिस समय वृक्षारोपण। हाँ, वृक्षारोपण हुआ है। क्या कितना यूनिट वृक्षारोपण? हमको लगता है कि लगभग 500 सालाना यूनिट, मतलब 20-25 यूनिट, एक यूनिट में 200 इकाइयाँ होती। मनरेगा से कुछ काम बहुत कम हुआ है मनरेगा से, जैसे कि उसके बाद कौशेड बनाना और उसके बाद बहुत ऐसा पोखर भर के जो कि सार्वजनिक जगह बताया सरकार का द्वारा, पहले सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी योजना, तो उस योजना में जो है कि जो गड्ढा है गड्ढा भराई का कार्य होता था। हम लोगों ने भी 2-4 को गड्ढा भरा भर के सार्वजनिक स्थान कर दिया। किसी में पंचायत सरकार भवन बनने का निर्णय हुआ है, किसी में सामुदायिक भवन बनेगा तो बहुत काम हुआ। हाँ, समाज। चलिए, आपकी पंचायत की देखिए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा शहर से नज़दीक हैं। हम लोग को जैसे कि NSE के बगल में हम लोग
और अभी तक हमको लगता है समस्या मुख्य रूप से कोई नहीं, सड़क पानी है ही, बिजली है ही, ऐसे अगर गांव का समस्या आती है पंचायत का दूसरे हाँ। तो हम ही हैं खुद मुखिया। इस बार अगर चाहेंगे आपसे कि एक बार पंचायत भी घूर लिया जाए। कल घूमे हैं हम लोग जी। ठीक है, कैसा लगा आपको पंचायत? पंचायत भी आता होगा आप लोग, क्या अच्छा है क्या गलत है? अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे पंचायत के लिए? देखिए, चुनाव जीतने का जहाँ तक बात है ना, तो आप एक बार जीतिए या हजार बार जीतिए, आपके कार्यशैली से इफेक्ट करता है, आपके आपके कार्यशैली। मतलब आपका कहना है कि हम अपने काम से संतुष्ट हैं इसलिए जनता हमें चुनेगी? देखिए, काम से संतुष्टि का बात हम इसे नहीं करते हैं, और जनता से हमको और जो है ना, जनता से हमको और गिरवास था, जनता से और गिरवास था। जनता जो है ना, आज के डेट में जिस अनुसार से आप चाहते ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज आप दीदी का समाज का हो सकता है, सही बात। तो कुछ जो है ना, आपकी बार हम इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर जो प्राथमिकता रहेगी ना, इस पर हम अपने गांव में युवाओं को एकत्रित करके जो क्रूज होता है ना, मतलब कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जमा हो गए, उसमें कंपटीशन किया जाता है कि भाई उसमें जो अव्वल आएगा उसको फिर किसी न किसी रूप से थोड़ा प्राइज देना है ताकि उसका मनोबल ऊँचा हो। तो इस क्रम में जो है ना, हम लोग ऐसा व्यवस्था करते थे, प्रतियोगिता हम लोग करते थे। तो अब की बार विशेष रूप से शिक्षा का ही महत्व दिया जाएगा, ताकि बगैर शिक्षा का गांव में कितना बड़ा उन्नति कर लीजिए उसका कोई महत्व नहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील क्या करना है? जनता से अपील जो है ना, जनता स्वतंत्र है। हम जनता को बोलते हैं, अगर बेहतर हमने किया है तो आपको मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए वोट के मामले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हमको पब्लिक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।